नमस्कार आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज धार जिले के राजगढ़ क्षेत्र के बहुचर्चित पिता व पुत्र की हत्या के मामले में अमोदिया हत्याकांड का आठवां आरोपी दो वर्ष बाद हुआ गिरफ्तार फरारी के चलते पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ने तीस हजार रूपए का इनाम किया था घोषित आपको बता दें कि साइबर क्राइम ब्रांच धार थाना राजगढ़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से दर्दोचा है छह अप्रैल 2020 की रात्रि में चार बाइक पर सवार आठ बदमाश अमोदिया निवासी दौलत राम सिरवी के खेत पर पहुंचे थे जहाँ से प्याज के कई कट्टे चुरा बदमाश भाग रहे थे खेत मालिक व उसके पुत्र ने बदमाश को देख लिया व उनका पीछा किया इस पर बदमाशों ने उन लोगों पर बंदूक से फायर किए इसमें दौलत राम उसके पुत्र की मौत हो गई थी विवेचना के बाद राजगढ़ पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था आरोपी हर सिंह घटना दिनांक ही फरार चल रहा था कार्रवाई में साइबर क्राइम ब्रांच प्रभारी त्रिलोक सिंह बेस ए एस आई राम सिंह गोर प्रधान आरक्षक गुल सिंह आरक्षक बलराम सर्वेश सिंह एवं थाना प्रभारी राजगढ़ ब्रजेश कुमार मालवी एस आई रामचंद्र डामोर प्रधान आरक्षक रविन्द्र जाट का प्रमुख योगदान रहा देखे खबर एस पी लाइव न्यूज पर